हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये भी एक रिक्वेस्ट का वीडियो है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, सर हम किस तरीका से ये भी चेस्ट लेंथ हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हम सभी पार्ट को अलग अलग बता रहा हूँ और ये एक अपडेट है, नया अपडेट है, क्योंकि जैसे कि बग जितना जाते हैं तो पीछे वाला जो फॉर्मूलाज होता है वो ओल्ड हो जाता है। हम क्या करते हैं, नया नया बहुत आसान तरीका हम लोग ढूंढते हैं कि कितना, यानी कि कितना अच्छे तरीके से और कितना इजी तरीका से हम लोग वो कट कर सकते हैं। मानिए मैंने ब्लाउज के बारे में ये बता रहा हूँ और ये चेस्ट लेंथ है इस जैकेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जितना दिन नया नया जाते हैं आते हैं तो नया अपडेट होता है, तो इसीलिए मैंने ये चेस्ट लेंथ का भी एक अपडेट दे रहा हूँ। पहले मैंने बहुत लोगों को बहुत फॉर्मूला दिया है चेस्ट लेंथ का, जैसे कि 1/4 ऑफ हाई वास्ट डीप नेक के लिए अलग होता है और हाई नेक के लिए अलग होता है, यानी कि कॉलर वाला जो होता है ब्लाउज उसके लिए अलग होता है। तो इस वीडियो में मैंने चेस्ट लेंथ आप लोगों को बताऊँगा एकदम विदाउट फार्मूला, ठीक है, कोई फार्मूला जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर साथ ही साथ ये भी बताऊँगा क्यों नहीं चाहिए फार्मूला चेस्ट लेंथ कटने के लिए। तो क्योंकि हम ऐसे ही बोलेंगे और ऐसे ही मान लेंगे, ऐसे नहीं है, मैंने पूरा लॉजिक के साथ में बताऊंगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो पहले फ्रेंड, मैंने जैसे कि 22 से लेकर जो 50 साइज तक वैरायटी टाइप ऑफ फार्मूला में दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उसमें मैंने बहुत अलग अलग फार्मूला मैंने आप लोगों को दिया है। मगर मैंने जैसे चेस्ट लेंथ का फॉर्मूला करने जा रहा हूँ फ्रेंड, तो इजी तरीका से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि हमारा जितना सब्सक्राइबर है उन लोगों को जैसे कि चेस्ट लेंथ में कटने में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने बहुत सोचा है। तो जैसे कि मैंने देखता हूँ वो जैसे कि क्या हो रहा है, ये जो शोल्डर होता है अगर किसी वजह से इसका फॉर्मूला दिया भी जाए तो फ्रेंड, अगर शोल्डर अगर थोड़ा सा अप डाउन हो जाए और बास भी अप डाउन हो जाए तो ये जो चेस्ट लेंथ होता है वो फार्मूला का कोई काम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हो रहा है क्या, ये हम लोगों को शोल्डर कम हो रहा है, तो फिर शोल्डर अगर कम हो तो जो हमारा ये वाला हिस्सा है, देखिए आप लोगों को दिखा दो, देखिए ये भी ठीक ठाक करो तो ये अगर बास अगर किसी वजह से कम हो जाए तो चेस्ट लेंथ अगर इतना इतना दूर तो ये घुमा के वो आर्म होल नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिकली चेस्ट लेंथ का फॉर्मूला इसलिए होता है जो हम लोग आर्म होल कट करते हैं उसके लिए होता है। तो आर्म होल में क्या होता है, मानिए ये काम हो रहा है तो इसके लिए एग्जैक्टली यानी कि एकदम परफेक्शन मैंने बहुत सोचा है, बनाना फार्मूला बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब सोचिए जैसे कि ये भी मैंने दे दूँ, चलो ये एक फार्मूला है अब इसे यूज़ कीजिए, मगर उससे जैसे ही आप कट करने जाएंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे बास्ट अगर किसी का कम हो सकता है, बड़ा हो छोटा हो, ऐसा किसी का नहीं होता है जो जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ उसका अगर हाई बास्ट और जो शोल्डर उतना ही मैंशन कर दूँ तो चेस्ट लेंथ फार्मूला काम आएगा। मगर वो ये अगर मैंशन किसी वजह से कभी भी ये मेंशन नहीं किया जा सकता है, अब इतना ले लीजिए, तो वो बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग पर्टिकुलरली फिर जो रेडीमेड जो ब्लाउज हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग एक मेजरमेंट फॉलो करते हैं, वो उसी हिसाब से वेरिएशन होता है। मगर जो ऑर्डर ही में होता है तो वो मेजरमेंट लेना संभव नहीं है, बहुत आप लोगों को मुश्किलें आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, जैसे कि अगर डीप नेक करूँ तो हाई वास्ट का जो 1/4 ऑफ हाई वास्ट प्लस हाफ इंच जो हम लोग मेजरमेंट लेते वो हम लोग चेंजिंग कर देते, जैसे बहुत लोग चेंज कर देते तो ये वाला हिस्सा वो चेस्ट लेंथ फार्मूला इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। मानिए हम हाई वास्ट 1/4 ऑफ हाई वास्ट प्लस हाफ इंच दिया है, ये शोल्डर मैंने जितना लेना था उससे भी कम ले लिया तो चेस्ट लेंथ का फार्मूला इसमें काम नहीं आएगा। और एक बात होता है, मानिए जैसे कि चेस्ट लेंथ का फार्मूला दे भी दिया है तो भी आर्म होल अगर ठीक तरीके से ना कटा जाए तो भी बहुत मुश्किलें हो जाएगा। तो इसी तरह बहुत कुछ बात होता है, तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और आप लोग जानते हैं जो कुछ फॉर्मूला देता हूँ पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ उसके बाद हमारे चैनल में दे देता हूँ। तो आज ये संभव तो नहीं है, मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक नया तरकीब निकाला है। मैंने पहले भी हमारा जो सीक्रेट मेजरमेंट है उसमें मैंने बताया जो चेस्ट लेंथ का मेजरमेंट बहुत अलग अलग तरीका से भी लिया जा सकता है, तो आज मैं वो तरीका बता रहा हूँ, एकदम अलग वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू टेक योर परफेक्ट चेस्ट लेंथ मेजरमेंट। तो
वही मेजरमेंट आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, एकदम आसान तरीका, कोई भी फॉर्मूला आप लोगों को नहीं लगेगा, आप लोगों को जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग नया सीखने आते हैं हमारे पास तो उन लोगों को फॉर्मूला अगर जो नेट से भी बहुत लोग सब्सक्राइबर होता है वो लोग भी अगर नया तरीके से सीखे तो आर्महोल की जगह में ही उन लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने हमेशा सोचता हूँ फिर कुछ इजी तरीका निकाला है, तो इसलिए मैंने आज ये इजी तरीका निकाला है। तो आपका जो ब्लाउज का जो फुल लेंथ होगा, ठीक है, मानिए हम लोग ब्लाउज का जो फुल लेंथ लेते हैं, हमेशा आप लोगों को बता दूं जो फुल लेंथ हम लोग लेते हैं एक जगह को आप लोगों को मेंशन करना है। तो मैंने हमेशा दिखाता हूँ आपका जो पूट होता है ब्लाउज का जो पूट होता है, और ये है हमारा जो बैक पार्ट होता है इसका, जो इसे पूट बोलते हैं, और ये पूट जिस जगह में ऊपर वाला हिस्से में एंड होगा वही जगह से आप लोगों को इसी तरह लेना है, और आप लोग नीचे इसी तरह एक धागा इसी तरह का बांध देंगे, इस जगह कस्टमर भी इस जगह को बांध देंगे। तो ये बांधने से क्या प्रॉब्लम होगा कस्टमर को, यानी कि आप लोगों को लगे कोई ये प्रॉब्लम, मगर मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है ये कोई प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारा परफेक्शन आता है। तो इसी तरह अगर फुल लेंथ आप लोग मेंशन कर देंगे तो आप लोगों को एस लेंथ कितना आ रहा है और लोअर वास्ट हाई वास्ट नॉर्मल वास्ट सब एक जगह मिल जाता है। आप चाहे इसी तरह धागा, जैसे कि हम लोग सिखाने के लिए ये सब करता हूँ, मगर क्या करेंगे जो हमारा फुल लेंथ होगा वही यहाँ से यहाँ तक एक फुल लेंथ आप लोग लिख लेंगे, जो चलो हमारा इतना फुल लेंथ है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आज का वीडियो का जो मेन टॉपिक से मेन ट्रिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यानी कि हमारा अंडर आर्म्स टू फुल लेंथ एक मेजरमेंट होता है। मैंने बहुत बार हमारा सीक्रेट मेजरमेंट पे मैंने बताया, फिर भी बहुत लोगों को नहीं किया है, इसलिए ये वीडियो रिक्वेस्ट आया है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिक्वेस्ट तो आया है तो इसलिए मैंने ये एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आप सिंपल सा कीजिए, कोई फॉर्मूला आप लोगों को नहीं चाहिए। जैसे ये ऊपर में हिस्सा को, जैसे कि फिर हम लोगों को क्या करना है चेस्ट लेंथ करने के लिए, यानी कि हमारा जो अपर चेस्ट है वो एक वो करने के लिए इसी तरह चेस्ट लेंथ होता है, और अपर लेंथ तो करते हैं मगर साथ ही साथ आर्म होल का भी उस जगह का मेजरमेंट आता है। तो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट आता है वो ही इस जगह का मेजरमेंट है। आप मानिए जैसे कि हमारा कोई भी ब्लाउज का अंडर आर्म्स टू फुल लेंथ का मेजरमेंट फिक्स हो जाए, ये देखिए ये 36 का साइज का है, तो ये देखिए। मगर फ्रेंड एक बात आप लोगों को बता दूं, ब्लाउज में जैसे कि हम लोग रेडीमेड में ही इसका लेंथ बड़ा करते हैं, मगर हो सकता है जो 32 साइज का जो लेंथ होता है वही 36 में ही लेंथ होता है, ऐसा नहीं है हम लोग 36 बढ़ते 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 बढ़ा ही जाए तो फ्रेंड इस जगह में प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो इसलिए क्या रेडीमेड में ऐसा करना पड़ता है, मगर कोई चाहे तो वो तरीका से भी कर सकते, यानी कि सभी साइज में एक ही तो वो आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मगर इसमें जो मेन आज की बात में पॉइंट पे आ जाता हूँ, सिर्फ आप लोगों को लेनी है अंडर आर्म्स टू फुल लेंथ, यानी कि अंडर आर्म्स से नीचे से इस जगह में, और इसमें आप लोग देखेंगे कस्टमर की बहुत फिटिंग्स होता है इस जगह में, कोई यानी कि 100% इसमें परफेक्शन आ जाता है। जो चेस्ट लेंथ हम लोगों को मेजरमेंट वो इस तरीके से आप लोग अगर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए मैं कागज में भी थोड़ा सा दिखा दूँ कटिंग करने के बाद ये जो मेजरमेंट मैंने लिया हूँ ये किस तरीके से यूज होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जब बैक पार्ट करते हैं ना, तो आप लोगों को पता है जो ऊपर से एक शोल्डर लाइन होता है उसके बाद हम लोग एक फुल लेंथ इसी तरह ले लेते हैं। इसी तरह मानिए मैंने एक फुल लेंथ ले लिया है ऐसे करके, और फुल लेंथ और ऊपर में जो शोल्डर लाइन होता है वो हम ले लेते हैं। मानिए हम इस जगह में शोल्डर लाइन को कट किया है, ओके। तो शोल्डर लाइन को मैंने इस जगह को कट किया है, और कट करने के बाद क्या होगा अब वो फार्मूला कैसे काम आएगा। तो फ्रेंड हमने नीचे से मेजरमेंट लिया है, तो नीचे से हम लोग इसी तरह सीम्स छोड़ देंगे। मानिए इस फिगर में हम 7 मेजरमेंट लिया था, जो मेजरमेंट मैंने कोई मेजरमेंट तो नहीं लिया हूँ, मगर फिर भी जो मेजरमेंट मैंने लिया था उसी हिसाब से सीक्रेट टेक्निक में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नीचे से मैंने 7 करना चाहता हूँ, ये 7 जैसे ही करूँगा ये देखिए इस जगह से हम लोग सीम्स छोड़ेंगे इसी तरह। ये देखिए मैंने 7 इस जगह में है और सीम्स मैंने इसी तरह छोड़ दिया है। उसके बाद इसी तरह पकड़ेंगे और उसके बाद हमारा ऊपर में भी सीम्स छोड़ना है, ओके फ्रेंड। ये देखिए जैसे मैंने ड्रॉ किया है लाइन तो उसी तरह ही करना है।
तो जैसे मैंने इस जगह को सीम्स छोड़ दिया है, उसके बाद हमारा ये लाइन आ गया है और यहाँ से यह ऐसे कर, बस ये रहा हमारा चेस्ट लेंथ का मेजरमेंट, ठीक है। और बाकी जो प्रोसीड्यूर होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, हाउ टू कट आर्म होल, तो वो तो मैंने बहुत बार बहुत जगह में वीडियो बता दिया है, तो इसलिए मैंने वो तरीका नहीं बता रहा हूँ। और उसके बाद आप लोगों को सिंपल सा ये तरीका यूज़ करना है, बस इसे घुमा दीजिए, आप चाहे ना चाहे फ्रेंड वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा और आपको इसी जगह में ही आप लोगों को मैच करना है। ये देखिए हमारा जो मॉडल है ना उसमें 16 है, ये देखिए इसमें 8 आ गया है ऑटोमेटिकली, मैंने कोई इसमें चेंजिंग ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो इसमें, फिर भी मेजरमेंट आ गया है। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रहे फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर ही आप लोगों को जो आर्म होल है वो सही करना है। आप चाहे थोड़ा सा डीप भी कर दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा भी कर दीजिए, किसी भी तरह आप लोगों को इसके अंदर ही आप लोगों को करना है। अगर हाईनेक अगर करेंगे तो हाईनेक के नीचे से फ्रेंड आर्मोल इसी तरह होगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, क्योंकि जिसमें हाईनेक करेंगे तो उसी तरह ही छोड़ के इस जगह का मेजरमेंट आ जाएगा। आप मानिए जैसे कि नीचे वाला हिस्सा जो हम लोग इसी तरह किया है एकदम परफेक्शन होगा, और इसके बाद जैसे कि इसे लेने के बाद आपका जो 7 जो मेजरमेंट होगा इसी तरह एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए हम लोग इसी तरह जैसे कि 7 किया है, और इस तरह अगर 7 अगर ना आए तो मानिए क्योंकि हमारा जो फिगर है उसमें इसी तरह काट करके ही रहेगा, तो इसी तरह करने के बाद अब इसी तरह कर देंगे। देखिए इसमें दोनों तरफ सीम से थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, तो हम इसे कम कर लेंगे, तो कम कहाँ से कर लेंगे, ऊपर से कर लेंगे। ये सब ठीक ठाक करके उसके बाद आप लोगों को शेप देनी है इस जगह में, तो आपका आर्म होल परफेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल ही गया है किस तरीके से हम लोग चेस्ट लेंथ निकलते हैं किसी पैटर्न कटने में, कटने के बाद। तो बहुत इजी तरीका है विदाउट फॉर्मूला, यानी कि आप लोग देख ही रहे हैं इसमें मैंने कोई फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं किया है, एकदम आसान तरीके से मैंने इसे कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलना है, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा। जो लोग नया विजिट कर रहे हैं फ्रेंड हमारा इस चैनल को और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और पसंद अगर वीडियो आएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल वाला बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इस चैनल को, ऑटोमेटिकली आपके चैनल में और आपका मोबाइल हो कंप्यूटर हो उसमें ऑटोमेटिकली चले जाएगा। और जो लोग बहुत दिनों से हमारा इस नए चैनल को फॉलो कर रहे हैं आप लोगों को मैं दिल से थैंक्स कर रहा हूँ, आप इसी तरह ही देखते रहिए सीखते रहिए। और आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, शो रहते हैं।